लॉकडाउन का फल सब्जियों की मांग आपूर्ति पर सीधा असर पड़ा है। एक तरफ किसान अपनी उपज नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो दूसरी तरफ थोक मंडियों में फल सब्जियों के दाम प्रशासन की ओर से तय खुदरा मूल्य के ऊपर निकल गए हैं। लॉकडाउन का फल सब्जियों की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। थोक मंडियों में इनके दाम चढ़ने लगे हैं। अमृतसर में हरी मिर्च का दाम 200 रुपये जबकि लुधियाना में टमाटर का दाम 80 रुपये पहुँच गया है। इससे खुदरा व्यापारी तक इन्हें खरीदने से कतराने लगी हैं। सवेरे जी पहले 1 बजे आए फिर 3 बजे दे हुण फिर आए जी हुण फिर कहंदे नहीं कुछ भी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਸਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦ ਕੋ ਰੇਟ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਜੀ। ਮੰਮਨੇ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣੇ। ਆਲੂ 1150 ਕਾ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਹੈ, 2200 ਕਾ ਬੋਰਾ ਵੜਤਾ ਹੈ और बहुत ही मुश्किल से बाहर लाना पड़ता, रास्ता बंद है सर। वही तो प्रॉब्लम आ रही है कि क्या रेट बेचेंगे, 50 रुपये बेचेंगे, 40 बेचेंगे, क्या रेट बेचेंगे। सरकार ने तो रेट फिक्स कर दिए हैं इसके। सरकार ने फिक्स किए हैं, अंदर से जो माल महंगा मिलेगा तो क्या महंगा ही बेचेंगे ना। फिर टमाटर 80-80 रुपये किलो टमाटर यहाँ मंडी में बिक रहा है, हम लोग तो वापसी जा रहे हैं, हम सब्जी नहीं लेके जाएंगे। गोभी वगैरह मटर वगैरह 40-50 रुपये किलो मंडी के अंदर है। सरकार ने क्या रेट बेचना? सरकार ने रेट नॉर्मल रेट 20-20 रुपये किलो, 25-25 रुपये किलो रेट बताया हुआ है, उससे ज़्यादा लेके जाएंगे फिर बोलते कंप्लेंट करेंगे, तो इससे ज्यादा हम सब्जी लेके जाएंगे नहीं, फायदा कोई हमको है नहीं उसका, हम वापसी जा रहे जी। थोक मंडियों में सब्जियों के बढ़ते दामों के पीछे काला बाजारी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन इस बारे में जब लुधियाना के एक व्यापारी से पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। परचून तो बाहर बिक रहा है, हम परचून थोड़ा बेच रहे हैं। आप ऐसे करो, ट्राई करो ना, फिर सारा घूम के आओ ना, आप सारा घूम के आओ। इससे निपटने के लिए सभी जिलों में तय सीमा तक सब्जी मंडियों को खोलने का फैसला किया गया है। अभी जे मंडी अगर रोज ही 3-4 घंटे खुलेगी तो ओदे नाले अभी काला बाजारी बिल्कुल रुक जाएगी, जिहड़ी मारताड़ रुक जाएगी, जिमीदारों नूं पता लगेगा, जिस तरह जिमीदारा ने सब्जी घट तोड़ी ही उन्होंने पता लगेगा मंडी रोज टुटनी है, सब्जी रोज टुटेगी तो कल तो होर मंदा हो जाएगा। गोभी का भी लोगों ने जी सब्जी लोग जिमीदारा की बरसात करके नहीं तोड़ी, जी बाहरों आने वाली सब्जी आ मिर्च वगैरह जी बैंगन वगैरह बाहरों आने से जो रूटीन आ मंडी खोलेगी असं उन्ना माल मंगावे जिन्ना सवेरे सवेरे विक जाए। हाँ 4-7 हुक्म तो यही है सरकार का, 4-7 खुलेगी, अगर 1-2 घंटे होर दे देंगे वो एक तो भीड़ नहीं कट्ठी होगी, जो हफ्ते च 1 दिन खोलेंगे फिर नैचुरली भीड़ कट्ठी होगी। अगर सब्जी मंडियां रोज खुले और किसानों को बेरोक टोक अपनी उपज मंडी पहुंचाने की छूट मिले तो महंगाई घटेगी ही, किसानों की ठप पड़ी आमदनी फिर शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सरकार ने तमाम सहूलियतें दी हैं, फिर किसानों के लिए अपनी उपज को मंडी तक पहुंचाने में समस्या आ रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से। ये बताइए कि जो ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे किस तरह से किसानों के सामान पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह की खबरें आ रही हैं आजादपुर मंडी से कि जहां दिन के 300 ट्रक्स पहुंचते थे वहां आप खाली आलू के 25 ट्रक्स ही पहुंच पा रहे हैं और ये किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए किसान का जो उत्पाद है, जो फसलें हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन पे पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि किसान खुद तो वो सारा सामान खा नहीं सकता, ना इस्तेमाल कर सकता है, ना ही उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। कुछ अनाज है उनको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि किसान के ऊपर पहले ही कर्जा होता है तो उसको भी तेजी से बेच करके कर्जा उतारना होता है, तो इसलिए जो उगा तो आपने फसल दी, बंपर उत्पादन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो उपभोक्ताओं तक मंडियों के माध्यम से नहीं पहुंच पाता है तो ये चेन ब्रेक हो जाएगी। चेन के ब्रेक होने से ना तो यहाँ पर कीमत मिलेगी या तो सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ये कीमत नहीं मिलेगी, होने पौने दाम में बेच के भागना पड़ेगा किसान को। और क्योंकि आपूर्ति बाधित है तो व्यापारी जो है इसमें काला बाजारी करने वाले और मुनाफाखोरी करने वाले इसको महंगे दामों पर उपभोक्ताओं को बेचेंगे, तो दोनों ही तरफ से नुकसान हो रहा है, जबकि हमारे पास खाने पीने की सामान की किल्लत नहीं है, कमी नहीं है,
फिर भी जो है दोनों किसान और उपभोक्ता दोनों मारे जाएंगे ऐसी स्थिति में। जी, यानी आपका कहना है कि जो वितरण प्रणाली है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, किसानों को थैंक्स करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे अन्नदाता है उन्होंने हमारे भंडारों को भरा हुआ है, लेकिन जरूरत है कि सही समय पर एक तो इसको सड़ने ना दिया जाए और जो जरूरतमंद है उन तक ये सामान पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।